अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेएस एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे अपनी एक्सरसाइज 6.4, ठीक है। तो एक्सरसाइज 6.4 यहां पर इसके स्टेटमेंट देखें, कह रहा है फैक्टराइज। सबसे पहले हमने क्या करना है, फैक्टराइज, फैक्टर बनाने हैं, फैक्टराइज करना है इसको। इन क्वेश्चन को हमने क्या करना है, फैक्टराइज करना है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 लिखता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49। ये हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। तो पहले हमने फॉर्मूला आज इसके डिस्कस कर लिए थे, वो फॉर्मूले क्या है, ए प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। ये हमारे पास फॉर्मूला है। तो सबसे पहले हमारे पास a की वैल्यू क्या है, x है, तो ये किसके इक्वल है, a के स्क्वायर के, ठीक है। प्लस अब उसके बाद b की वैल्यू है, b की वैल्यू है 49, तो b का स्क्वायर लिखेंगे, 7 स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है। हम इस चीज को यहां पर लिख रहे हैं, हमारे पास क्या है, फॉर्मूला क्या है, हमारे पास a प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हमारे पास इसका फॉर्मूला, ठीक है। तो इस चीज को हम, इसके फॉर्मूला को ओपन करके हम यहां पर लिख रहे हैं, यहां पर a की वैल्यू हमारे पास क्या, x है, x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और b की वैल्यू हमारे पास क्या है, 49 है, 49, 7 का स्क्वायर क्या होता है, 49 होता है, ये स्क्वायर आ गया। प्लस 2 a हमारे पास क्या है, x है, और b हमारे पास क्या है, 7 है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 7 14 एक्स आ जाएगा। इसको हमने इस फॉर्म में ओपन करके लिख दिया, फॉर्मूला को बेसिकली ओपन करके हमने लिख दिया। अब देखें, ये चीज हमारे पास ये वाली बन गई है, ये चीज इसके इक्वल है, ठीक है। अब यहां पर हमारे पास a की वैल्यू क्या है, x है, और b की वैल्यू क्या है हमारे पास, a की वैल्यू हमारे पास क्या है, x है, और b की वैल्यू हमारे पास क्या है, 7 है, x प्लस 7 स्क्वायर आ जाएगा। ये फॉर्म ये वाली बन गई थी, ठीक है। अब ये वाली फॉर्म किसके इक्वल है, जब फॉर्मूले को ओपन करेंगे ये फॉर्म बन जाएगी, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये बेसिकली इक्वल किसके, ए प्लस बी के स्क्वायर के इक्वल है, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास a की वैल्यू x है, प्लस b हमारे पास क्या है, 7 है, इसका होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से पार्ट नंबर b है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है 9a स्क्वायर प्लस 12ab प्लस 4b स्क्वायर, ठीक है। हमारे पास ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। तो बेसिकली हमने इसको इस फॉर्म में लिखना है, ठीक है। यहां पर हमारे पास a क्या है, हमारे पास 9a स्क्वायर है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, 9a स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है, साथ a भी है, तो इसके मैं होल स्क्वायर ले लूंगा, 3 के ऊपर भी स्क्वायर है। बेसिकली ये फॉर्म किस तरह बन गई है, मैं आपको बताता हूं। अब देखें, 3 का स्क्वायर, 3 स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, ठीक है। अब a के ऊपर भी स्क्वायर है, तो मैं इसका होल स्क्वायर ले लेता हूं, होल स्क्वायर ले लेता हूं, ठीक है। तो होल स्क्वायर का मतलब होता है अंदर जितनी वैल्यूज हैं उन सब का ये स्क्वायर है, ठीक है। ऊपर जो पावर है वो सब वैल्यूज की, अंदर जितनी भी वैल्यूज हैं इसका मतलब ये है, ठीक है। अब देखें, हमारे पास 4b स्क्वायर है, तो यहां पर क्या है, 2 स्क्वायर आ जाएगा, 2 स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, ठीक है। और b के ऊपर भी स्क्वायर है, तो मैं इसके होल का स्क्वायर ले लूंगा, होल स्क्वायर ले लूंगा, ठीक है, होल स्क्वायर ले लूंगा, ठीक है। अब उसके बाद प्लस 2 फॉर्मूले का, a की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3a है, और b की वैल्यू क्या है, 2b है, ठीक है। यहां पर प्लस का साइन, ठीक है, ये हमारे पास किसकी वैल्यू है। अब देखें, जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपके पास 3 स्क्वायर कितना होता है, 9, a के ऊपर भी स्क्वायर है, 9a स्क्वायर आ जाएगा, ये फॉर्म बन जाएगी। अब b की तरफ आप मूव करते हैं, ठीक है, 2b स्क्वायर है। अब देखें, 2 स्क्वायर कितना होता है, 4, ये 4 लिखा हुआ है, b के ऊपर भी स्क्वायर है। हमने बेसिकली इसको इस फॉर्म में लिख दिया, फॉर्मूले को ओपन कर दिया, ठीक है। अब जब हम फॉर्मूले को क्लोज करेंगे, a प्लस बी स्क्वायर आना चाहिए, तो इस फॉर्म में हमने इसका आंसर लिखना है। तो यहां पर a की वैल्यू क्या है, 3a प्लस 2b स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप नोट करें, मैं तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर सॉल्व करता हूं। जी तो स्टूडेंट, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, तो हमने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट हमारे पास है, 16 प्लस 24a प्लस 9a स्क्वायर। फिर हम
क्वेश्चन कंफर्म कर लेते हैं, 16 + 24a + 9a² ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इस फॉर्मूले के थ्रू हमने इसको सॉल्व करना है, ठीक है। फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया हुआ है, पहले भी एक्सरसाइजेस में मैंने लिखवाया 6.1, जब मैंने इंट्रोडक्शन दिया था 6 चैप्टर का फैक्टराइजेशन का, मैंने आपको तीनों फॉर्मुलाज बताए थे कि कौन से फॉर्मुलाज यूज हो रहे हैं। देखिए अभी तक आपने देखा होगा वही फॉर्मुलाज यहाँ पर भी यूज हो रहे हैं, 6.1 में भी वही यूज हुए, 2 में आ गया आपके कॉमन वाले क्वेश्चन आ गए, 6.3 में भी आपके फॉर्मुलाज आ गए, उसमें भी फैक्टराइज करना था, ठीक है, कॉमन लेकर हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब 6.4 में देखें तो हमारे पास वही फॉर्मुला यूज हो रहे हैं, a - b² a - b² a² - b² के फॉर्मूले यहाँ पर यूज हो रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए हमारे पास ये क्वेश्चन है 16 + 24a + 9b - 9a² तो इसको हम सॉल्व करते हैं, 4² कितना होता है 16 होता है, ठीक है, प्लस 3² कितना होता है 9 होता है, 7 ही है, तो इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। पहले भी मैंने आपको क्वेश्चन में बताया 9a² है, तो 3² कितना होता है 9 होता है, a के ऊपर भी स्क्वायर है। अब मैं इसका होल स्क्वायर ले लूंगा, होल स्क्वायर का ये मतलब है कि ये दोनों की पावर है, दोनों वैल्यूज की ये पावर है, ठीक है, प्लस 2 फॉर्मूले का। अब a की वैल्यू हमारे पास क्या है 4 है और b की वैल्यू क्या है 3a है, जब आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये फॉर्म आ जाएगी, कैसे आएगी, 2 4 8 8 3 24, साथ ए भी मल्टीप्लाई हो रहा है तो 24a आ जाएगा, ठीक है। हमारे पास यहाँ तक फॉर्मूला यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ये चीज इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है, अब हमने इस चीज में कन्वर्ट करना है, समय लगी। अब हमने फॉर्मूला हमने ओपन कर लिया है, अब फॉर्मूले को दोबारा हमने क्लोज कर देना है, ठीक है। अब इस चीज को हम क्लोज करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 4 है, प्लस बी की वैल्यू क्या है हमारे पास 3a है, इसका होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, ये हमारे पास इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। अब इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर जब हम 4 सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 4 है 25x² + 80xy + 64y² ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। अब इसको जब मैं सॉल्व करता हूं तो देखें 25 का स्क्वायर क्या होता है 25 होता है, 5x² आ जाएगा, ठीक है, यहां तक क्लियर है, प्लस 8² कितना होता है 64 होता है, y के ऊपर भी स्क्वायर है, इसका होल स्क्वायर आ गया, ठीक है यहां तक। अब देखें अब फॉर्मूले का 2, यहां पर जितने क्वेश्चन है सभी इसी मेथड से ही सॉल्व होने हैं, ठीक है। तो आपने फॉर्मूला जब याद कर लिया तो क्वेश्चन सॉल्व करना आपके पास इजी हो जाएगा, ठीक है, प्लस 2 फॉर्मूले का। अब हमारे पास a की वैल्यू है, a की वैल्यू हमारे पास क्या है 5x है और b की वैल्यू हमारे पास क्या है 8y, ठीक है। अब देखें अब इसको हमने क्लोज करना है, इस फॉर्म ये चीज इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, अब इस चीज को हमने दोबारा क्लोज कर देना, इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है, तो a की वैल्यू क्या है हमारे पास 5x है प्लस b की वैल्यू क्या है 8y, इसका क्या आ जाएगा होल का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। हमारे पास यहां तक क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास सॉल्व हो गया, आगे हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं, आप नोट करें इसे, मैं रेज करके नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूं।